इंदौर के एसजीएस आईटीएस परिसर में दो दिवसीय 35वां वैज्ञानिक दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के जनसंपर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पीसी शर्मा व गृह विभाग मंत्री बाला बच्चन मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। गुरुवार को एसजीएस आईटी परिसर में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि मध्य प्रदेश के युवा विज्ञानी वैज्ञानिकों को अनुसंधान के क्षेत्र में आकर्षित करने और इसे अपनाकर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय या वैज्ञानिक संस्थान में मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों से वैज्ञानिक संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवा वैज्ञानिक रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी मेंबर्स शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। इस बार 28 और 29 फरवरी को यह आयोजन SGSIT में होने जा रहा है, जिसमें रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए 19 विषयों का चयन किया गया है, जिसमें कृषि विज्ञान, बिहेवियर साइंस, रासायनिक इंजीनियरिंग सहित अन्य कई विषय रखे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। 35वां मध्य प्रदेश का युवा वैज्ञानिक कांग्रेस है, जो इस बार इंदौर में SGSITS में रखा गया है। युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए पुरुष वैज्ञानिक की उम्र 32 वर्ष और महिला की 45 वर्ष रखी गई है। हर फील्ड में रिसर्च के करीब करीब पूरे संसाधन उपलब्ध हैं, और अभी इस बीच पिछले कई सालों से जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ ये सभी लैब को पूरा मॉडरेट कर दिया गया है और नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, और हमारे ऑलरेडी PG और PhD में रिसर्च चल ही रही है और जो कर भी रहे हैं काम, और उनके पास सभी सुविधाएँ हैं। अभी सुविधाओं की कभी किसी ने नहीं बताई कि हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है या ये सामान नहीं है, इसलिए हमारी ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। और हमने IIT इंदौर से भी टाई अप कर रखा है, तो कभी कभी जो कुछ बहुत महंगे इक्विपमेंट से जो नहीं मिल पाते हैं एक दो, तो वो रिजल्ट लेने IIT चले जाते हैं। और एक IIIT TDM जबलपुर है, उससे भी हमने MOU साइन किया हुआ है, तो कभी कभी बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है, और उसका आउटकम ये रहा है कि हमारे यहाँ रिसर्च पेपर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, करीब 1.5 गुनी हुई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ PG प्रोजेक्ट्स जो है उसकी क्वालिटी सुधरी है, उसमें काम अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइडिया जनरेशन में अपने आइडिया दिए हैं, जिसमें वो स्टार्टअप करने जा रहे हैं। अभी MSME के थ्रू बहुत सारे आइडिया जनरेशन में बच्चों ने डाला है, तो हमारे बच्चों में एक अलग तरह का एक माहौल डेवलप हो रहा है कि हम आइडिया जनरेशन करें, इंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप चालू करें। तो ये इन्हीं में काम में जब आगे बढ़ता है तो एक कुछ नया निकलता है, तो वो आगे बढ़ता है। आपके लिहाज से बात किया, जैसे हर 7 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, इंदौर।